डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आज हम आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो लास्ट टॉपिक रहा है वो साइंस का था। हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हुआ था हमने, जो चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, हमारा भोजन घटक। इससे इस टॉपिक से शुरू करने से पहले मैंने इसे पहले भी एक वीडियो बना रखी है, तो प्लीज उसे इस टॉपिक को आगे पढ़ने से पहले उस वाले टॉपिक के ऊपर रिविजन कर लें, ताकि क्योंकि उसके आगे टॉपिक में नहीं आया टॉपिक उसके आगे पढ़ना स्टार्ट किया है। तो अगर पहले अगर आप देख लोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे मैं क्या क्या चीज़ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज इससे पहले इस वाली वीडियो देखने से पहले आप पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं फूड, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं पीछे की चीज़ें। तो फूड, हमें पता है फूड क्या होता है। फूड होता है क्या, बेसिकली कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जीने के लिए खाता या पीता, हम उसे फूड बोलते हैं सर्वाइवल के लिए, है ना। अब फूड हमारे लिए, हमने पढ़ा था फूड हमारे भोजन कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने पढ़ा फूड तो कई प्रकार के होते हैं। कुछ हमें एनिमल से मिलते हैं, कुछ हमें मरडेजी वाले फूड से मिलते हैं, कुछ हमारे रेगुलर फूड होते हैं, और कुछ हमारे जैसे मरडेजी से मिलने वाले मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, एनिमल से फिश हो गया, मीट हो गई, एग हो गया, और देन उसके बाद हमारा रेगुलर फूड हो गया राइस हो गया, हमारा राइस हो गया चपाती हो गई, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमें फूड्स क्यों लेते हैं, मतलब भोजन में क्यों जरूरत पड़ती है। हमने इसके बारे में बताया था भोजन में इसलिए लेते हैं ताकि हमारे को एनर्जी, हमें एनर्जी मिल सके। तो पहला हमारा पॉइंट क्या था, इट्स प्रोवाइड अर्थ एनर्जी, हमें ये प्रोवाइड क्या करता है, एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है ना। अब एनर्जी ऊर्जा देने से मतलब क्या है, हमारी कोई भी फिजिकल या मेंटल एक्टिविटी, हमारी कोई भी शारीरिक या मानसिक कोई भी हम कार्य कर, शारीरिक मतलब हमने एग्जाम्पल ऐसा योगा कर रहे हैं, हमें पेड़ को कट कर रहे हैं, मानसिक मतलब मेंटल वाले जैसे हम स्टडी कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमारी मेंटल एबिलिटी लेती है, हमें मेंटल प्रेशर लेता है, हमें मेंटल की एनर्जी यूज होती है, हम सोते हैं तो भी हमारे इसमें एनर्जी यूज होती है ना। तो इसके लिए हमें क्या था, हमें फूड की जरूरत होती है। सेकेंड हमारा पॉइंट आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमारे लिए बहुत जरूरी था। न्यूट्रिशन भी क्या, न्यूट्रिशन हमें ग्रोथ मिलती है हमारे बॉडी को। अब ग्रोथ कैसे मानते हैं और न्यूट्रिशन हमें मिलता है किन किन चीज़ों से, अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूँ तो न्यूट्रिशन हमें जैसे बोलता हूँ फिश, आप बोल रहे हैं कि मैं फिश की बात कर रहा हूँ, फिश से हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, जैसे पोषण मिलता है। अगर मैं फिश से बात करती हूँ, हमारे शरीर को क्या पड़ता है, फिश हमारे शरीर को क्या देता है, सॉरी फिश हमारे शरीर को प्रोटीन देता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारे तीन कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तीनों चीज़ से मिलकर बनाता है। हाँ, कार्बोहाइड्रेट इसके बारे में हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, बट यहाँ पर इनमें क्या की जो जैसे ब्रेड हो गया आपका, ब्रेड हो गया, ब्रेड के अलावा आपकी चपाती जैसे होगी, ब्रेड होगा, चपाती होगी, इसके अलावा व्हीट फ्लावर होगा, ये सब चीज़ें होती हैं जो हमारे कार्बोहाइड्रेट के अंदर पड़ते हैं। इसके अलावा हमारे हमने कुछ मिनरल्स के बारे में पढ़ा था जो हमें फ्रूट से मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो हमें कौन कौन चीज़ें किससे मिलती है, ये सब चीज़ें बात है। अब हमें देखिए, हमने पढ़ा था कि क्या नाम है, आलू, आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है ना, आलू हो गया। तो हमें कैसे प्रूफ करेंगे कोई चीज़, हम कैसे प्रूफ करेंगे ये अभी तक हमने जब ये पढ़ा उसको पीछे वाला रिकॉल किया है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे कि हम कैसे प्रूफ करेंगे कि अगर हमने बोला कि आलू के अंदर, पटाटो के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, हमें कैसे प्रूफ करेंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि भैया आपने, हमने मैंने तो बोल दिया कि आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, बट आपको कैसे पता चलेगा कि आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इसके हमें इसे पता करेंगे, हम इसके अंदर कुछ टेस्ट करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हम कैसे पता चलेगा कि अंदर आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है कि नहीं होता। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास स्टार्ट करें। तो पहला हमारा पॉइंट है, हाउ डू यू प्रूव दैट पोटैटो कंटेन कार्बोहाइड्रेट। अब कैसे जांच करेंगे कि आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है या नहीं, कैसे करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपका आता है, तो ये आपका आएगा, अब जैसे इसको पोटैटो के अंदर कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें एक सॉल्ट बनाना पड़ेगा, जैसे हमें आयोडीन टेस्ट बोलते हैं, हमें एक टेस्ट करना पड़ेगा, जैसे हमने नाम दिया आयोडीन टेस्ट, आयोडीन की जाँच। ठीक है, अब ये कैसे, अब आयोडीन टेस्ट क्या है, आयोडीन बनाने के लिए हमें क्या बोले, ये हमें बाहर से मिल जाती है आयोडीन, आयोडीन ये नमक को सोचना आप लोग कि नमक होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आयोडीन हमें मार्केट से मिल जाएगा। तो फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन हमें कुछ, क्या नाम है, इसको बनाने के लिए आयोडीन सोल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए पड़ेगा, हमें कुछ बूंदे आयोडीन की चाहिए और उसमें कुछ वाटर मिलाएंगे, है ना, थोड़ी सी बूंदे आयोडीन की देखिए, उसमें कुछ वाटर मिलाएंगे तो हमारा क्या तैयार हो जाएगा, हमारा आयोडीन सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, आप आयोडीन सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, कुछ बूंदे आयोडीन की पर थोड़ा पानी मिला के हमारा क्या बोले आयोडीन सॉल्यूशन, है ना। तो ये वही लिखना आयोडीन, आयोडीन सॉल्यूशन बन जाएगा हमारा। अब हमें करना क्या, हमारा सॉल्यूशन तो बन गया, अब हमें ये सॉल्यूशन पता करने में हेल्प करेगा, ये पता करने में हेल्प करेगा कि पोटैटो के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है या नहीं। तो आप स्टार्ट करते हैं, हम क्या करते हैं, टेक पोटैटो एक आलू लेते हैं, ड्रॉप सम, आप जैसे आलू को बीच में से काट लेते हैं, कहीं भी काटे आप लोग, उसकी दिक्कत नहीं, आप मिलर से कट कर दीजिए, ड्रॉप सम आयोडीन सॉल्यूशन, आप क्या करते हैं जो बीज कैसा निकलेगा उसमें आप कहते हैं आयोडीन
सॉल्यूशन जो आपने बना रखा उसकी कुछ बूंदे उसके ऊपर डाल के आलू के पराठे के ऊपर, तो चेंज कर तो उसका कलर चेंज होगा। आलू कलर वैसे क्या नाम वाइट कलर का होता है हल्का सा, तो उसकी कलर में चेंजेस आएगी। जब उसके कलर में चेंजेस आएगी दैट रिप्रेजेंट स्टार। अब हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट के अंदर स्टार्च होता है, फ्रुक्टोज होता है, ग्लूकोज होता है, तो ये हमने क्या नाम में पढ़ रखा है पहले से, लास्ट क्लास में पढ़ा रखा है कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, तो स्टार्च होता है, फ्रुक्टोज होता है, ग्लूकोज होता है, तो ये सब चीज़ें होती है। तो हमें क्या करता है जब उसका कलर चेंज होगा, जब भी पोटैटो का कलर चेंज होगा दैट रिप्रेजेंट स्टार, तो हमें क्या बताएगा, क्या हमें इशारा करेगा कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे अगर उसका कलर ब्लैक ब्लू से ब्लैक होता है या ब्लैक उसके कलर में ब्लू होता है, जब हम आलू के ऊपर कुछ बूंदे डालेंगे तो उसका कलर क्या आता ब्लू होगा या ब्लैक होगा, डेट कलर ये वो कलर जब ये कलर चेंज होगा तो ये क्या इशारा करेगा, तो उसके अंदर क्या है स्टार्च है। अगर स्टार्च है तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है, क्यों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो स्टार्च आता है, हमने लास्ट क्लास में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर स्टार्च आता है, तो अगर उसका कलर चेंज होता ब्लू और ब्लैक होता तो हमें क्या होता है स्टार्च प्रेजेंट होता उसके अंदर। ठीक है, तो ये भाई दोबारा रिविजन करते हैं क्या है। अगर मैंने बोला किसी ने आपसे प्रूफ करने के लिए बोला कि भाई आप कैसे प्रूफ करोगे कि आयोडीन के अंदर आयोडीन की कार्बोहाइड्रेट है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम उसका टाइप सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या आयोडीन लेंगे उसमें कुछ बूंदी पानी के डालेंगे, हमारा आयोडीन सॉल्यूशन तैयार होगा। हम क्या करेंगे आलू को बीच में से कट करेंगे, ये कहीं से भी कट करेंगे उसको, उसकी वैल्यू नहीं कि आप कहीं से भी कट करते हैं, उसके अंदर हम कुछ बूंदे आयोडीन सॉल्यूशन की मिलाएंगे। अगर उसका कलर में चेंजेस आती है ब्लू होता है ब्लैक होता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है उसके अंदर क्या है स्टार्च। अब स्टार्च है तो मतलब क्या है कार्बोहाइड्रेट के अंदर स्टार्च होता है, तो इसको हम स्टार्च को क्या बोलते हैं मंड। हिंदी में कुछ चीज़ें हैं जो हिंदी नहीं है, जिस चीज़ का हिंदी वर्ड होगा मैं उसका हिंदी वर्ड दिखा दूँगा, तो हम इसे क्या बोलते हैं मंड। तो उसके अंदर क्या रिप्रेजेंट करता है अंदर स्टार्च होता है। ठीक है ना, तो ये हमारा ये क्या पता करने के लिए हो गया, प्रोडक्ट पता करने के लिए हो गया इसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है कि नहीं होता। अब स्टार्च करते हैं दोस्त कि इसके अलावा मैंने इसका आपको बताया था कि डज फ्रूट आइटम कंटेन प्रोटीन। अब हमने प्रोटीन के बारे में बता रखा, प्रोटीन हमें किससे मिलता है, फिश से भी मिलता है अच्छा खासा प्रोटीन और चीज़ से मिलता है, बट अगर मैं आपसे बोलूँ कि फ्रूट आइटम जो फल वाले आइटम होते हैं क्या उसके अंदर प्रोटीन होता है कि नहीं होता, आपको पता है कि प्रोटीन होता है, तो क्या उनका प्रोटीन होता है उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी भी हम कुछ टेस्ट करेंगे इसकी भी, ताकि हमें पता चलता है उसके अंदर प्रोटीन है कि नहीं है। तो हम इसके जैसे हमने इसका सोल्यूशन बनाया था वैसे इसका भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन बनेगा। तो आप आइए डज फ्रूट आइटम कंटेन प्रोटीन, तो क्या फल में प्रोटीन होता है या फल के अंदर प्रोटीन होता है, तो हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन हमें क्या है, प्रोटीन कंपोनेंट्स विच आर एसेंशियल पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रोटीन सजीव जीव का महत्वपूर्ण घटक होता है, जो कि सजीव जीव है प्रोटीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण, बिना प्रोटीन के वैसे हमारे लिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है बट प्रोटीन भी उसमें नहीं, हमारे मतलब प्रोटीन भी हमारे उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो प्रोटीन सजीव जीवों का महत्वपूर्ण घटक, सजीव मतलब जो लिविंग और लिविंग एनिमल होते हैं ह्यूमन होते हैं उनको बोलते हैं सजीव। तो यहाँ आता है अभी प्रोटीन क्या करता है, हेल्प करता है क्या होता है टिश्यू रिपेयर, टिश्यू रिपेयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब आया वर्ड आया टिश्यू रिपेयर, टिश्यू रिपेयर मीन्स होता क्या, आपकी सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर सेल्स होती है कोशिका होती है, हम उसी को कोशिका बोलते हैं क्योंकि टिश्यू रिपेयर आपकी कोशिका है जब आपके अंदर हेल्प करती है। जैसे आपकी सेल्स हो गए कुछ सेल्स होती है आपको जो ब्रीथिंग लेने में क्या नाम है सांस लेने में हेल्प करती है, और इन हेल्थ बोलते हैं आप सांस लेते हो छोड़ते हैं हम उसके ऊपर भी डिपेंड करता है हमारा डाइजेस्ट सिस्टम कितना, हमारे पेट में कोई खाना पचता कैसे है, तो हमारे एक ये सारा काम कौन करता है हमारा प्रोटीन करता है। प्रोटीन के अंदर क्या आता है टिश्यू रिपेयर, टिश्यू को मन सकता है समझ लो ऊतक, हिंदी बोलते हैं ऊतक, जस्ट हमें अगर उनसे डिफाइन करना चाहिए क्या होता है ऊतक क्या होता है, हम सेल्स हमारे बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं हम उसे बोलते हैं ऊतक। ठीक है, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारे शरीर का विकास करता है, कौन करता है प्रोटीन करता है, तो हमारे शरीर का विकास करता है। आप देखो कंटेन प्रोटीन, अब प्रोटीन किन किन चीज़ों में होता है मैंने आपको बताया, चीज़ हो गया जी चीज़ हो गया मिल्क हो गया मीट हो गया पल्सेस हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिसके अंदर प्रोटीन होता है ना। तो मैंने तो ये आपका अभी हमने जाना क्या प्रोटीन होता है क्या, एक बार रिवाइज कर दिए पीछे वैसा कि प्रोटीन क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होगी प्रोटीन हो गई। अब इसका भी प्रोटीन हमें टेस्ट करना पड़ेगा कि हाँ भाई हम कैसा लगाएंगे पल्सेस के अंदर प्रोटीन होता है या चीज़ के अंदर प्रोटीन होता है हम कैसे निकालें पता है, तो इसका पता करने के लिए हम क्या करेंगे भी टेस्ट बनाएंगे। तो हम यहाँ करते हैं हमें इसको बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, पहला हो गया कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। अब कास्टिक सोडा सॉल्यूशन क्या होता है, ये सॉलिड में होता है और वाइट में होता है, सॉलिड पोर्शन में होता है मतलब सॉलिड में सख्त बोलते हैं सख्त होता है और क्या नाम है और वाइट कलर का होता है सोडा। अब हम इसे कास्टिक सोडा बनाएंगे कैसे, 10 ग्राम कास्टिक सोडा प्लस 100 मिलीलीटर वाटर मिलाएंगे, तो इससे हमें क्या बनेगा कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। कास्टिक सोडा सॉल्यूशन में ही हम थोड़ा सा पानी मिला देंगे 100 ml,
तो हमारा क्या सॉल्यूशन मिल जाएगा, जैसे हमारा यहाँ सॉल्यूशन बना था लिक्विड फॉर्म में द्रव्य मतलब पानी की फॉर्म में, वैसे यहाँ भी हमारा सॉल्यूशन बनेगा पानी की फॉर्म में। अब कौनसी सरल सॉल्यूशन बन गया, तो अब हमें करना क्या है, अब हमें इसके अलावा दो एक और सॉल्यूशन देनी पड़ेगी हमें, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या होता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमें क्या, ये भी जैसे आपका कास्टिक सोडा सॉल्यूशन वैसे देखो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनेगा। इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, 2 ग्राम CuSO4। अब ये क्या होता है, ये आपका क्या होता है, आपका कास्टिक सोडा सॉल्यूशन हो गया, तो क्या नाम है, आपको मिलाना पड़ेगा 2 ग्राम मिलाना पड़ेगा और 100 मिलीलीटर वाटर मिलाना पड़ेगा। अब ये इसका जो कलर, इन दोनों को मिलाओ कलर कैसा बनेगा, ब्लू कलर में बनेगा, ये क्रिस्टल कलर में चमकीला, जो भी जो उसका लिक्विड फॉर्म बनेगा वो चमकीला बनेगा, क्रिस्टल कलर में होता है हमारा ना। तो अब क्या करेंगे, जब इन दोनों हमारे जब ये दोनों सॉल्यूशन बन जाएंगे तो हम क्या करेंगे, पल्स ले एग्जाम्पल तो हमने अंदर आया कि पल्स के अंदर क्या नाम है हमारा प्रोटीन होता है कि नहीं, ये निकाल जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक सॉल्यूशन बना रहे पल्स, हमने क्या लिया एक पेस्ट बनाया, पेस्ट मतलब कैसे बनाया, जैसे दालों को हमने दाल होती है उसे ग्राइंडर में भी पीस दिया है ना, ग्राइंडर में पीस दिया तो दाल क्या बारीक चीज में होगी पीस के, अब उसमें हम क्या करें पेस्ट को हम टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, अब जो पेस्ट बनेगा, अब टेस्ट ट्यूब डालते ना अपने जो देखा होगा केमिस्ट्री के लैब के अंदर होता है इतना लंबा सा टेस्ट ट्यूब होता है, उसके अंदर मिलाएंगे, उसमें हम डालेंगे कुछ थोड़ी सी जो पेस्ट है दाल का जो पेस्ट है मिक्सचर है हम उसे उसमें टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, उसमें थोड़ा मात्रा में क्या डालेंगे थोड़ा पानी डालेंगे उसके अंदर, और 2 ड्रॉप्स सी हम इसके क्या नाम है सोल्यूशन डालेंगे, किसका सोल्यूशन डालेंगे हम कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डालेंगे हम, प्लस में कास्टिक सोडा हम क्या डालेंगे, देखो एक कॉपर सल्फेट हो गया, ये हमारे लिए क्या हो गया कॉपर सल्फेट, दो हमने जो ये बनाया हमने जो हमने यहाँ पर सोल्यूशन बनाया उसकी 2 बूंदे डालेंगे दाल के अंदर जो हमने तिल के अंदर डालेंगे, और प्लस में कास्टिक सोडा जो हमने यहाँ सोल्यूशन बनाया उसको मिलाएंगे, कितने बूंदे डाले 10 ड्रॉप डालेंगे, उसको हिलाएंगे आपस में हिला देंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे थोड़े समय के लिए छोड़ देंगे। अब क्या हो गया थोड़े समय छोड़ोगे तो हम उसके जो अपीयरेंस मतलब जो दिखाई देगा कलर, हमने क्या कर हमने लिक्विड फॉर्म में बना दिया, अब वो थोड़े समय में दिखाई कैसे देगा वॉलेट कलर में दिखाई देगा, जब कुछ समय में बन जाएगा तो वॉलेट कलर दिखाई देगा, जो अब उसके जो वॉलेट कलर दिखाई देगा वॉलेट कलर मतलब बैंगनी रंग होता है, ये क्या इंडिकेट करता है इसके अंदर प्रोटीन है, ये हमें इंडिकेट करता है, ये इशारा करता है कि इसके अंदर प्रोटीन है। दोबारा स्टार्ट करते हुए दोबारा बताते हैं कि क्या नाम है इसमें क्या, इसी तरह हमने यहाँ पे प्रोटीन को चेक करने के लिए हमें 2 तरह के सोल्यूशन जरूरत पड़ेगी, एक होगा कास्टिक सोडा सोल्यूशन हो गया जरूरत पड़ेगी, और दूसरा हो गया प्रोटीन सल्फेट सोल्यूशन, इन दोनों सोल्यूशन जरूरत पड़ेगी। हम दाल को क्या नाम है पल्स को हम पेस्ट करेंगे मतलब पेस्ट बनाएंगे मिक्सचर बनाएंगे, जब उसको हम फिर उसके बाद हम टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे, टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद 2 ड्रॉप्स हम क्या डालेंगे कॉपर सल्फेट डालेंगे, और 10 ड्रॉप हम डालेंगे सोडा कास्टिक सोडा सोल्यूशन के डालेंगे, उसको अच्छे से हिलाएंगे देन शेक करेंगे, कुछ समय के लिए छोड़ देंगे, जब कुछ समय छोड़ दें उसका कलर धीरे चेंज होगा, अगर उसका कलर बैंगनी कलर का होता है वॉयलेट कलर का होता है तो हमें वो क्या इंडिकेट करेगा इशारा करेगा कि वो क्या है प्रोटीन, उसके अंदर प्रोटीन है, तो ये हमें क्या नाम है अपीयरेंस दिखाई देगा कैसा दिखाई देगा वॉयलेट कलर का दिखाई देगा। तो ये हमें किसके लिए हो गया, अभी तक हमने क्या किया कार्बोहाइड्रेट को चेक करने के लिए हमने क्या नाम सोल्यूशन बनाया, प्रोटीन को चेक करने के लिए सोल्यूशन बनाया, एक आज हमारा थर्ड आया कि बटर कंटेन फैट। अब देखो आपने अपने वसा के बारे में सुना होगा फैट, मैंने पहले भी बताया था फैट क्या होता है, तो क्या मक्खन में वसा होता है, एग्जाम्पल तो हमने मक्खन लिया मटर भी तो एक तरह से फैटी चीज़ है, अगर कम खाओगे तो फायदा करेगा अगर उसे ज़्यादा खाओगे तो आपको नुकसान करेगा, तो इसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं हमने भी इसे चेक करने के लिए इसमें फैट होता है कि नहीं इसे चेक करेंगे, ठीक है। तो आपने देखा हम कुछ पेपर लेंगे कोई भी पेपर लो कागज कोई भी शीट लेकर सिंपल सी, उसमें क्या करोगे आप कुछ क्या नाम है ऐसा पेपर लेना ट्रांसपेरेंट ओपेक होना चाहिए, मतलब आप वो पेपर कैसा होना चाहिए ओपेक मतलब आप आधा के आर पार कुछ नहीं लिखना चाहिए पेपर है शीट कैसी भी हो बट ऐसी होनी चाहिए कि आर पार ना हो मतलब अपारदर्शी कोई भी चीज़ जिसके आर पार हम देख ना सके वो मेरे लिए अपारदर्शी ओपेक होता है, ठीक है। तो अब उसमें क्या करना है उसमें कुछ फ्राई एग डाल दो कुछ भी डाल दो उसके अंदर कुछ भी बीच में फ्राई एग डाल दो ताकि आप देखो जैसे फ्राई एग डालेगा तो उसके साइड में आपने क्या करो जहाँ भी तला हुआ चीज़ होगी वो पूरे आसपास को पूरा तेल कर देगा। अब जितना हिस्सा अब दोबारा फ्राई जो एग है जो तला हुआ अंडा है उसे हटा दीजिए तो आप थोड़े समय बाद नोटिस करेंगे जितना आपका जितना भी तेल से फैल गया उसके आर पार थोड़ा पहले तो बिल्कुल नहीं देख पाते थे अब क्या होगा थोड़ा मोटा देख पाओ जैसे हम कहते हैं ट्रांसलूशन पारदर्शी जिसे दिखाई तो देगा बट पूरा क्लियर दिखाई नहीं देगा था ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं ट्रांसलूशन। तो आप क्या करें प्रेजेंट ऑफ ऑयली पेजेस जो ऑयली पेजेस पड़े मतलब धब्बे पड़ गए हमें यहाँ फ्राई एग डाल के यहाँ धब्बे जो पड़े
पेजेस ऑफ पेपर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ फैट, जो ये फैल गया तो हमने हमने थोड़ी मात्रा में यहाँ पे डाला, थोड़ी सी थोड़ा सा यहाँ फैट डाला, बट उसकी जो पेजेस है मतलब जो धब्बे उसके आसपास पूरे पड़ गए, जब पूरे उसके धब्बे पड़ गए तो क्या इशारा करता है, इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ फैट, तो हमें क्या इशारा करता है कि यहाँ इसमें फैट की मात्रा ज़्यादा है। तो अब तक का ये आपका टॉपिक है, तो ये आपके यहाँ तक का हो गया डच बटर कंटेंट मिल्क। अब इसके आगे पढ़ते हैं, तो आइए अब आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी तो हमने पढ़ लिया, हमने टेस्ट करके देखा अलग टॉपिक प्रोटीन का टेस्ट करके देखा, हमने कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करके सॉल्यूशन बना के टेस्ट करके देखा। अब उसके बाद पढ़ते हैं क्या होता है इंपॉर्टेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, है ना। अब मतलब बोलते हैं ना पोषण, पोषण जो पोषण की जो इंपॉर्टेंट क्यों, हमारे लिए पोषण जो न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, है ना, तो महत्वपूर्ण क्यों है, तो उसके लिए हम देखेंगे सबसे पहले हमारे न्यूट्रिएंट्स में होता क्या है। न्यूट्रिएंट्स में होता है हमारे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में हम कार्बोहाइड्रेट लिखते हैं। अब इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट में हमने क्या पढ़ा था अभी, उसमें स्टार्च होता है, फ्रुक्टोज होता है, ग्लूकोज होता है। तो आप देखिए हमें कार्बोहाइड्रेट क्या क्या करता है, हमें कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है, एनर्जी टू आर बॉडी, पहले भी हमारा था अभी एनर्जी टू दी बॉडी, हाँ यहाँ टू दी बॉडी, यहाँ टू आर बॉडी, आर बॉडी हमारे बॉडी को क्या नाम एनर्जी ऊर्जा देता है। सेकंड क्या फिजिकल और मेंटल वर्क, जो भी हम फिजिकल और मेंटल वर्क करते हैं, इसके अंदर पहले बता देता हूँ, फिजिकल हो गया, शारीरिक हो गया या मानसिक हो गया, शारीरिक और मानसिक कोई भी काम हो गया उसके लिए हमें क्या कौन प्रोवाइड करता है, देखो एनर्जी टू आवर बॉडी, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है साथ में, मतलब चाहे हम कैसा भी काम हो, चाहे फिजिकल काम हो चाहे मेंटल वर्क काम, कोई भी काम हो उसके लिए हमें एनर्जी देता है। जैसे क्या क्या चीज़ें, जब हमने कार्बोहाइड्रेट बनने चाहिए पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट ब्रेड पढ़ा था, राइस पढ़ा था, पोटेटो पढ़ा था, ये सब चीज़ क्या है कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था, और कार्बोहाइड्रेट ये सब चीज़ें हमें क्या देती है एनर्जी भी देती है। तो इसके लिए हमें क्या हो गया, ये पहला मतलब क्या इंपॉर्टेंट काम हो गया न्यूट्रिएंट्स का, कि हमें ये कार्बोहाइड्रेट देता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट मतलब एनर्जी देता है, एनर्जी टू आर बॉडी, चाहे वो फिजिकल हो चाहे मेंटल हो कुछ भी हो, वो हमारी बॉडी को देता है, ठीक है। अब फैट आ गया, सेकंड चीज आ गया फैट, फैट भी क्या है इंपॉर्टेंट हमारे लिए, फैट इतना इंपॉर्टेंट क्यों, फैट मतलब वसा। अब देखो अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ आपके, फैट बोलते हैं फैट हमारे लिए, किसी का फोन देखा पेट बहुत ज्यादा निकला था, कोई बहुत ज्यादा मोटा होता है ना, तो उसको समझाने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे किसी के जब पेट बाहर होता है तो बोलते बहुत ज्यादा मोटा हो गया है ना, तो क्या होता है उसके अंदर फैट बहुत ज्यादा मात्रा में, वसा बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। अब वसा बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसका कहना मतलब क्या कि मतलब हमें कोई भी फैटी चीज़ नहीं खानी चाहिए, नहीं, अगर आप फैट कोई चीज़ खाते हो, जैसे मैं आपको चीज़ की बात करूँ, बटर की बात करूँ, घी की बात करूँ, ये हमें कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा हमें क्या नाम न्यूट्रिएंट देते हैं, पोषण देते हैं, हमें इससे कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा हमें ये सब न्यूट्रिएंट प्रदान करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं, हमें एनर्जी इनसे भी ज़्यादा हमें एनर्जी ये चीज़ देती है। बट सिचुएशन इसके अंदर एक ही कंडीशन है, हमें इसे लिमिटेड में खाना पड़ेगा, मतलब इसकी कंडीशन क्या है कि इसे हमें कम मात्रा में खाएंगे, अगर हम इसे ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो हमें नुकसान देगा, है ना, अगर हम कम मात्रा में इसे टेक करेंगे लेंगे तो हमें क्या करेगा, ये कम मात्रा में अगर कम क्वांटिटी में, है ना, अगर हम कम क्वांटिटी में लेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट देगा, और अगर हम ज़्यादा में मात्रा तो आपको पता है हम ज़्यादा फैट हो जाएंगे। तो यहाँ पर दिखाने के लिए देखो क्या देगा, प्रोवाइड मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ही ज़्यादा हमें क्या देता है एनर्जी प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। अब जैसे क्या होगा एग्जाम्पल हो गया बटर हो गया घी हो गया मिल्क हो गया फ्रेंच फ्राइड कुछ हो गया, आप बोलोगे ये तो भैया बहुत ज़्यादा फैट हो गया, बट लिमिटेड मतलब कभी कभार हो गया खाना तो ठीक है, आप इसे रेगुलर में बना लोगे तो हमें नुकसान देगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपने ये हो गया फैट, क्या एक कार्बोहाइड्रेट देता है, एक फैट देता है, देखिए प्रोटीन, प्रोटीन के बारे में पढ़ा था, प्रोटीन हमें बहुत सारी चीज़ें मिलता है, आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन ए बी सी के बारे में कि भाई क्या क्या प्रोवाइड करता है। तो प्रोटीन क्या करता है, हेल्पिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पहले पता है शारीरिक का विकास करता है, रिपेयर टिश्यू ऊतक को ठीक करता है, ऊतक मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर टिश्यू मीन्स होता है सेल्स, सेल्स मतलब कोशिका, हमारी जितनी बॉडी के अंदर जितनी कोशिका होता है उनको ठीक करता है, चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम हो, बॉडी के अंदर ब्लड पहुँचाना हो, हमें सांस लेने देने में हो, रेस्पिरेशन हो, जितने भी सिस्टम हो उसे ठीक करने का काम किसका हो गया रिपेयर, हमें प्रोटीन प्रदान करता है। इसके बाद हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ना रक्त में परिचालन में मदद करता है, देखो चाहे ब्लड सर्कुलेट हमारे बॉडी में ब्लड हमारे ब्रेन से लेकर बॉडी के हर पार्ट तक निकलता है, तो ये किसकी वजह से, अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन ज़्यादा रहेगा तभी नहीं सब काम अच्छे से हो पाएगा, और भी काम होते हैं, बट अभी के लिए आप किसी भी यहाँ तक इस होते हैं कि हेल्प इन ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जितना भी आपको ब्लड सर्कुलेशन पहुँचाना है बॉडी के हर पार्ट तक पहुँचाने का काम जिसका किसका होता है आपका प्रोटीन, तो हमारे बॉडी में जितना अच्छा प्रोटीन रहेगा उतना अच्छा हमारा ब्लड हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन उतना अच्छा रहेगा, प्रोटीन का और भी काम होता है बट अभी के लिए सिर्फ इतना ही है। अब आया विटामिन, ना तो विटामिन हमारे लिए क्या हो गया, विटामिन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया,
विटामिन क्या है, विटामिन जैसे बोलते हैं आप लोग क्या है, विटामिन आपके लिए बोल सकता हूँ कि क्या काम करता है विटामिन। तो सबसे पहला काम अगर मैं बोलूँ, प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिसीज, ये बीमारी से बचाता है। अब अगर हमारे बॉडी में जितना जितना ज़्यादा विटामिन रहेगा हम उतने ही ज़्यादा बीमारी से बचे रहेंगे, जितना ज़्यादा प्रोटीन हमारे बॉडी में जितना मिलेगा हम उतनी ज़्यादा बीमारी से बच रहेंगे, है ना। तो हमारे विटामिन ये क्या करता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिसीज, हमें डिसीज से बचाता है। कीप आइस बॉल्स टीथ एंड गम्स स्ट्रॉन्ग, हमारी ये हमारी आँखों को, हमारी हड्डियों को और हमारे दांतों को ताकत देता है। तो हमारे क्या विटामिन का काम क्या क्या हो गया, तो यहाँ पे पहला काम हो गया प्रोटेक्ट करता है डिसीज, सेकेंड वर्ड क्या हो गया कीप आइस बॉन्स टीथ एंड गम्स आर स्ट्रॉन्ग, ये हमारे आँखों को दांतों को हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है, बहुत ज़्यादा ताकत देता है। तो काम किसका होगा, तो मतलब हमने हमने से इसका सीखा कि विटामिन का काम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट काम हो गया, फैट का काम हो गया, प्रोटीन का काम हो गया, हमारे विटामिन का काम भी हो गया, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। विटामिन अगर मैं विटामिन के एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो सबसे पहला एग्जाम्पल आ गया विटामिन ए सी डी के और बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स में मिश्रण होता है जितना बोलते, तो बी में बहुत सारे बी कॉम्प्लेक्स मतलब विटामिन B1, B2, B3, B4, B5 ये भी विटामिन है, पर इसके बी कॉम्प्लेक्स मतलब बी के बहुत सारे विटामिन आ जाते हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि इन विटामिन ए का क्या क्या काम है, सी का क्या काम है, बी का क्या काम है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब विटामिन ए के बारे में बात करें, अब भाई हम बताएं अगर हम विटामिन की बात करें तो विटामिन से हमें क्या क्या मिलता है, अगर बोले हम विटामिन एग्जाम्पल लेते विटामिन ए, तो विटामिन ए से हमें क्या मिलेगा, तो विटामिन ए से हमें क्या क्या मिलेगा, मेंटेन गुड आईसाइट एंड स्किन, जो भी हमारे आँखों को जो हम बोलते हैं बहुत जल्दी हम जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा हमारी आँखें वीक होने जाते हैं, हमारे आँखों का नंबर पढ़ने या घटने लग जाता है ना, ये इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ विटामिन ए, लैक ऑफ विटामिन ए, हमने बोलते हैं विटामिन ए की कमी के कारण हमारे क्या होते हैं, हमारे आँखों की रोशनी चाहे हमारे आँखों और शरीर को अच्छा लगता है, मतलब हमारे स्किन हो गया है ना, यहाँ पर स्किन ना होकर हमारी त्वचा आ जाएगा, ये हमारी आँखों और त्वचा को अच्छा लगता है। अब आँखों और त्वचा को अच्छा रखने का मतलब क्या है, देखो विटामिन ए हो गया तो ये गुड आई साइट, हमारी आँखों गुड अच्छा आई साइट देता है, हमारी आँखों को अच्छी रोशनी देता है और त्वचा को अच्छा लगता है, तो इसका काम विटामिन ए का काम क्या हो गया, हाँ अगर हमारी अपने आँखों को ठीक रखना है चाहे छोटे से बड़े तक एज को, तो हमारे विटामिन ए की कमी नहीं होनी चाहिए। तो विटामिन ए हमें किस चीज़ की मिलता है उसके बारे में बताएंगे अभी, किन किन चीज़ों में मिलता है ना। तो यहाँ हमारा विटामिन ए को हमारा अच्छा रखने का, अगर मैं बैठ करूँ कि विटामिन ए किन किन चीज़ों में मिलेगा, तो हम यहाँ लेते हैं विटामिन ए किन चीज़ों में मिलेगा, देखिए लीजिए विटामिन ए हो गया कैट और फिश और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, तो हमें गाजर हो गया, फिश हो गया, बहुत सारी चीज़ें हमारी आँखों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये हमें किससे मिलेगा, विटामिन ए से मिलेगा, ठीक है। तो हमारे विटामिन ए का काम क्या हो गया, गुड आईज एंड स्किन, हमारी आँखों को और त्वचा को क्या नाम है अच्छा लगता है, मतलब उनको अच्छा लगता है, हमारी आँखों को बढ़ने की जगह घटने, हमारी हमारे क्या नाम है जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें स्किन हो गया, स्किन में बहुत सारी चीज़ की एलर्जी हो जाती है, हमारी बॉडी के अंदर एलर्जी कई बार ईचिंग होती है कई सारी, तो उसको ना हो ये किसकी वजह, ये साथ किसकी वजह से होगा, विटामिन के कारण। तो विटामिन हमारा जितना विटामिन ए हमारे बॉडी में जितना रहेगा उतने हमारे हमारी आँखें अच्छी रहेंगी, हमारी स्किन अच्छी रहेगी, जो हमारे लिए हेल्प करेगी। अब आता है विटामिन बी के बारे में, आते क्या करता है विटामिन सी के बारे में आते, तो हमारे विटामिन सी हमें पता ही आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर बॉडी, हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट बढ़ाता है ना। तो विटामिन सी हमें किन किन चीज़ों में मिलेगा ये पढ़ लेते हैं, तो विटामिन सी हमें किन किन चीज़ों में मिलेगा, हम अगर लेमन लेंगे, ऑरेंज लेंगे, फ्रूट आइटम लेंगे, तो विटामिन सी हमें इससे मिलेगा, और ये समझेगा हमारे बॉडी को अच्छा रखने में मदद करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम नींबू लेंगे और संतरे लेंगे, जितने फ्रूट आइटम हो गए अगर हम उनको लेंगे, तो हमारी बॉडी की मेंटेन है, बोल सकते हैं मेंटेन आवर बॉडी, हमारी बॉडी ग्रोथ हो गया, मेंटेन हो गया, हमारी बॉडी ग्रोथ को बनाए रखता है, हमारे शरीर की विकास में सहायता करता है। अब हमारी बॉडी का अगर विकास मेंटेन की बात करें तो किस में आता है, लेमन आ गया, ऑरेंजेस में आ गया, थर्ड ऑप्शन आ गया विटामिन डी। अब विटामिन डी की बात करते हैं, विटामिन डी होता है क्या, स्ट्रेंथ टीथ एंड बोन्स, हमारे दांतों को और हमारे हड्डियों को ताकत देता है। अगर मुझे विटामिन डी क्या करता है, तो हम आप क्या बोलोगे, विटामिन डी क्या करता है, हमारी चाहे हमारे दांत हो गए, टीथ हो गए, चाहे हमारे बोन्स हो गए, उनको ताकत देता है, हड्डी हमारे हड्डियों को ताकत देता है, हमारे हड्डियों और दांतों को ताकत देता है। इसके अलावा अब आपने सुना होगा कि बहुत सारे बोलते हैं आप धूप में रहा करो, सनलाइट में रहा करो, उससे हमें विटामिन डी मिलता है। तो बेसिकली विटामिन डी मिलने के बहुत सारे तरीके हैं, आपके विटामिन डी मिलने के, आप अगर सनलाइट की अगर आपकी रीच करते हैं रहते हैं, अगर आप 15-20 मिनट दिन में एक बार धूप के अंदर खड़े हो जाते हैं, तो आपको विटामिन डी बहुत अच्छे से मिलता है, ठीक है। तो विटामिन डी, इसके अलावा विटामिन डी का किन चीज़ें मिलेगा, ये आपका मिलेगा चीज़ हो गया, आपका चीज हो गया, ऐप हो गया, आप तो सनलाइट में आपको बताया, तो आपका चीज जितना भी आपका देखो ये आपका कौन सा
ये आपके जितने भी मिल्क आइटम भी इसके अंदर है, इसमें एनिमल आइटम भी है, तो आप कुछ भी ले सकते हो, जरूरी है कि स्पेशली है। तो इसके अलावा हमें मिलने की इनकी चीज़ें मिलेगा, तो इन चीज़ों में हमें विटामिन डी मिल सकता है। अब विटामिन के की बात आती है, विटामिन के किन चीज़ों में मिलता है, तो विटामिन के किन चीज़ों में मिलता है, विटामिन के पहले तो के क्या करता है, ये हमारे ब्लड टू क्लॉट। अब देखो आपने सुना होगा क्लॉट मीन भरना, घाव होता है ना, क्या नाम है, ब्लड टू क्लॉट। अब ये जो भी हमारे घाव होते हैं, आप सुन लो, अगर आपने सुना हो कभी कभार आपके सब्जी काटते हैं किसी घर में तो उनके हाथ कट जाते हैं, आप कहीं गिर जाते हैं तो आपके बॉडी के किसी पार्ट्स में चोट लग जाती है, ताकि उससे ब्लड आने लगता है। जब उससे ब्लड आता है तो कारण आप क्या करते हैं, धोते हो, कुछ समय बाद देखते हो ब्लड आना बंद हो जाता है ना। जब ब्लड आना बंद हो जाता है किसके कारण, विटामिन के कारण। हमारी बॉडी में विटामिन सी के क्या करता है, जब भी वो घाव को भरने में मदद करता है, जितना जल्दी उसे घाव को भरने में मदद करता है कौन, विटामिन के। तो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप डेली लाइफ में यूज भी करते हो, आप गिर जाते हो तो आपका घाव ऑटोमेटिकली अपने आप फील हो रहे भरने लग जाता है। तो ये सब किस लिए होता है, घाव को भरने में मदद करता है। तो इसके ये आपको इसको मिलेगा, जैसे जितनी भी ब्रोकली होगी, जितने भी ग्रीन आइटम होंगे, जितनी भी हम बॉडी हमारी बॉडी में ग्रीन वेजिटेबल होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसको भरने में मदद करता है। अब विटामिन बी क्या होगा कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी किससे मिलता है हमें, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये हमारे जितने भी ग्रीन वेजिटेबल हो गए, आपके मशरूम हो गए, ये सब खाने से हमें विटामिन बी मिलता है। तो आपके लिए अभी तक के लिए सिर्फ आज के टॉपिक के लिए यहाँ तक समाप्त एंड होता है, तो आगे के टॉपिक के लिए हम वीडियो दोबारा कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।